कोरोना योद्धाओं को बचाइए। देश और दुनिया में कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार बढ़ती जा रही है। जो लोग इस महामारी से अग्रिम पंक्ति में लड़ाई लड़ रहे यानी हमारे कोरोना योद्धा, उन पर खतरा ज़्यादा मंडरा रहा है। इस वर्ष मार्च में कोरोना वायरस के संक्रमण फैलने के बाद से अब तक महाराष्ट्र पुलिस के कुल 82 पुलिसकर्मी कोविड-19 महामारी से अपनी जान गंवा चुके हैं। ये बहुत दुखद स्थिति है, क्योंकि डॉक्टर, नर्स स्टाफ व स्वास्थ्य कर्मी समुदाय की तरह पुलिसकर्मी भी फ्रंट लाइन में कोरोना योद्धा है। इन कोरोना योद्धाओं को संक्रमण से बचाया ही जाना चाहिए। अब तक कुल 6,400 से अधिक पुलिसकर्मी संक्रमण की चपेट में आ चुके, जिनमें से 5100 पुलिसकर्मी उपचार के बाद संक्रमण मुक्त हो चुके। वहीं 150 अधिकारियों सहित 1213 पुलिसकर्मियों को विभिन्न अस्पतालों में उपचार चल रहा है। राज्य में मुंबई पुलिस के सर्वाधिक 3 अधिकारियों सहित 48 पुलिसकर्मियों को कोविड-19 से मौत हो चुकी है। अब बात करते हैं हमारे शहर की। जब से लॉकडाउन हुआ है, भिवंडी शहर में कोरोना वैश्विक महामारी से लड़ने और बचने के लिए शासन प्रशासन द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है। भिवंडी शहर में लॉकडाउन फेस 1, फेस 2 और फेस 3 तक सख्ती बरती गई। पुलिस आयुक्त विवेक पड़सालकर के निर्देश का पुलिस महकमे द्वारा जमकर पालन किया गया। भिवंडी शहर के DCP राजकुमार शिंदे द्वारा पहले ही लॉकडाउन से सख्ती बरती जाने के कारण पहले 2 लॉकडाउन में एक भी मरीज भिवंडी शहर में नहीं पाया गया, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे कोरोना ने अपनी पूरी रफ्तार पकड़ ली और भिवंडी शहर में मरीज बढ़ने लग गए। कोरोना काल में बंदोबस्त के दौरान पुलिस भी कोरोना से अछूता नहीं रहा। 103 पुलिस वाले इससे संक्रमित हो गए। हालांकि 92 पुलिस वालों ने कोरोना से जंग जीत कर पुनः ड्यूटी पर लौट आए, जबकि अन्य का कोरोना से जंग जारी है। गौरतलब यह है कि भिवंडी शहर के DCP राजकुमार शिंदे का कुशल नेतृत्व और अच्छा स्वभाव सतर्कता के कारण भिवंडी शहर की पुलिस ने भी अपना काम बखूबी निभाया। भिवंडी शहर की जनता की रक्षा की, कोरोना से न डर कर नागरिकों की रक्षा करते हुए पुलिसकर्मियों ने भिवंडी शहर के नागरिकों का जान बचाया। कर्तव्य के निर्वहन में जान की परवाह न करने वाले पुलिसकर्मियों को शुभेच्छा देते हुए DCP राजकुमार शिंदे ने कहा कि भिवंडी शहर की पुलिस एकदम जागरूक है और सतर्क है, नागरिकों के लिए हमेशा अपने कर्तव्य तट पर है। DCP ने भिवंडी पुलिस कार्यों की सराहना की। आइए देखते हैं भिवंडी पुलिस ने कैसे किया जनता की सुरक्षा, अपनी रक्षा साथ में जनता की रक्षा। भिवंडी से अमरीश शर्मा, STS टाइम्स।